ओ हाय फ्रेंड, जैसे आप लोग उम्मीद करते अच्छे होंगे। काफ़ी दिन के बाद मतलब नया सेटअप आ रहा, नया स्टेज ही मतलब आ रहा, ठीक है। और ये काफ़ी ये बैक टेस्टेड ऑलरेडी किया हुआ, ये सिंपल नंबर पे है, ठीक है। बस नंबर देखना है और आपको ये ट्रेडिंग करना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग ये टॉपिक पे आते हैं कि कैसे ये काम करना है। तो आज ही हम लोग सीखने वाले हैं कि AI नंबर। तो दो AI नंबर में बताने जा रहा हूँ, एक आपका ये 45, ठीक है, और एक आपका 85। 45 या 85 सुनने में काफ़ी ये इजी लग रहा है, और ये ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है ना कि मतलब एक बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है। तो पहले स्टार्ट करते हैं कैसे करना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपका ये टाइमिंग जो है आपका ये एंट्री का, ठीक है, ये आपका जो टाइमिंग है जो एंट्री का, आपको टाइमिंग आपका ये 9:20, मतलब 9:20 AM। 9:25 9:20 को क्या करना है कि कोई भी मतलब 45 और 85 के आसपास में मतलब आपको ये वॉचलिस्ट में आना है, 45 के नीरेस्ट, ठीक है। जैसे आपका ये हो सकता है, आपका 44 हो सकता है, ठीक है, आपका ये 45 हो सकता है, 46 भी चलेगा, मतलब उसके आसपास में मतलब ये चलेगा। या 85 का यदि निकालेंगे तो हम लोग 80 हो जाएगा, ठीक है, मतलब 82 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। इस तरह का हम लोग एक वॉचलिस्ट बनाएंगे और CEP का। और सिंपल सा है कि उसमें कोई भी ये 45 के ऊपर यदि 5 मिनट यदि सस्टेन करता है, 5 मिनट यदि सस्टेन करता है, मतलब 45, सिंपल इसमें आप निफ्टी का लेवल नहीं देखना है, FID डाटा नहीं देखना है, सिंपल आपको ये ऑप्शन का प्राइस देखना है, ठीक है। और यदि कोई भी ऑप्शन यदि 45 के ऊपर यदि 5 मिनट है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं हम लोग उसको बाय करते हैं। तब क्या करते हैं हम लोग उसको बाय करते हैं, अब बाय करने के बाद क्या हुआ, जो हम लोग 45 प्लस पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, 45 प्लस तो वॉचलिस्ट डाली है CEP का 9:20 को, ठीक है। और आपको जैसे ही 5 मिनट यदि 45 के ऊपर यदि सस्टेन कर रहा है, तब क्या करेंगे हम लोग बाय करेंगे, ठीक है। और हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हमारा क्या हो जाएगा, SL बहुत स्मॉल है, ठीक है, SL आपका ये 32 है, ठीक है। और टारगेट हमारा क्या है, आपका टारगेट हमारा इसमें है ये आपका 70 है, ठीक है, सिंपल सा। और ये आपको विथ इन आपका ये 40 मिनट के अंदर में आपको ये टारगेट आपको एनी हाउ आपको देगा, ये सिंपल सा। और ये आपको दिन भर में जब भी ट्रिगर होगा, ठीक है, जब भी ट्रिगर होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे मॉर्निंग मान के लिए सी ट्रिगर हुआ, आप तो तुम्हें फिर से आप वॉचलिस्ट बनाना है तो फिर से आप कर सकते हैं वहाँ पर वही सेम। और वही आपको यदि 85 वाला यदि बात करते हैं तो उसका टारगेट ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। 85 में सिंपल है, कोई भी यदि वॉचलिस्ट बनाना है CEP, ठीक है, और यदि 85 के ऊपर यदि 5 मिनट यदि सस्टेन करता है, ठीक है, 85 के ऊपर यदि 5 मिनट क्या करता है आपका ये सस्टेन करता है, इसके ऊपर ही मार्केट रहता है, तो मे बी एंट्री आपको 95 में हो या कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन उसको आपको बाय करना है। और इसका हमारा ये टारगेट क्या हो जाएगा, इसका हमारा टारगेट हो जाएगा आपका ये 120 हो जाएगा, ठीक है। और SL हमारा क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा हमारा ये आपका 70 हो जाएगा, सिंपल। आपको इसमें 15 रुपीज़ का रिस्क है, ठीक है, आपको ये ट्रेडिंग। और जब भी ये ट्रिगर होगा दिन भर में आपको 2 बार 3 बार यदि मॉर्निंग में आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, फिर तो दोबारा कनेक्ट ट्रेडिंग करने की जरूरत ही नहीं। यदि फिर आप तंदुर में करना है तो फिर से आपको यदि 130 के बाद, मतलब 2 बार कर सकते हैं, एक तो 130 के बाद आप वॉचलिस्ट बनाना हो, एक आपको क्या बोलते हैं कि 9:20 बाद वॉचलिस्ट बनाओ, ठीक है। मतलब नीरेस्ट आपका ये 45 का और नीरेस्ट आपका 85 का। और जैसे ही 45 के ऊपर यदि जैसे ही 45 के ऊपर यदि 5 मिनट यदि रहेगा तो हम लोग उसको बाय करेंगे, ठीक है। और जैसे 85 के ऊपर रहेगा तो हम लोग उसको बाय करेंगे, टाट सिंपल। इसके हिसाब से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा विथ लाइव ट्रेडिंग एग्जाम्पल के साथ। मतलब कोई बच्चा भी ट्रेडिंग कर सकता है, मैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे ये काम करता है। ये तो समय में आ गया होगा आपको, ये तो मार्च वाला जो वीकली एक्सपायरी में ही हमेशा करना है, मतलब नेक्स्ट वाला वीक में नहीं करना, लेकिन वो तो डाटा ख़त्म हो गया ना, तो हम लोग इसमें ही देख लेते हैं ये काम किया है कि नहीं काम किया। अब जैसे यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा जैसे ही ये 85 के मतलब ऊपर गया है तो ये नीचे आया नहीं, 85 से जो हमारा जो टारगेट था, ठीक है, वो मतलब वो ऑलमोस्ट हिट हो गया, ठीक है। जब भी ये मतलब स्कैल्पिंग भी कर सकते हो ना, यदि किसी को स्कैल्पिंग करना हो तो जैसे ही 85 के ऊपर यदि सस्टेन कर रहा है 5 मिनट तो उसको आप बाय कर लो, ठीक है, तो आपको ये टारगेट आपको मिल जाएगा और आपको SL हिट होने होगा। अब यहाँ पे जैसे ये 45 वाला देखते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जैसे ही ये 45 के ऊपर गया, ठीक है, 45 के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू मतलब ऊपर गया, फिर आपका मतलब ये SL हिट नहीं हुआ। और दिन भर में आपको 2 से 3 बार आपको ये टारगेट देगा। तो सिंपल से एक बार समरी कर लेते हैं कि
आपको 920 को वॉचलिस्ट लाना है कि सीपी का, ठीक है, उसका प्रीमियम कितना होना चाहिए, नियरेस्ट 45 या 85 के बीच में, और जो भी 45 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करेगा तो एंट्री में भी आपको 55 में मिले, 52 में मिले तो आपको बाई करना है, उसका जो मैंने एसएल बताया, जो टारगेट बताया उसको आपको लगाना है, ठीक है। और वैसे ही सेम आपका 85 का नियरेस्ट 85 का ये टारगेट मतलब वॉचलिस्ट बनाना है, ठीक है, और जैसे ही 85 के ऊपर 5 मिनट सस्टेन करेगा उसको हम लोग बाई करना है। और ये दिन भर में दो बार कर सकते हैं, एक तो आपका 920 का वॉचलिस्ट बनाइए, एक आपका 130 बनाइए, और इसके हिसाब से स्कैल्पिंग करो, ट्रेडिंग करो, मतलब इससे सिंपल कुछ नहीं है, आप डिसिप्लिन से जो बताया गया इसको आप फॉलो कीजिएगा तो एंड ऑफ द मंथ और या वीकली आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहिएगा। ये सिंपल सा है, बाकी वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बताइएगा, बाकी लाइव ट्रेडिंग इसका वीडियो मतलब फिर से आ जाएगा इस वीकेंड में। थैंक यू।